सत श्री अकाल जी, आपां इस वेले खड़े हैं संधू फार्म। ये कोटकपुरा दा वह गुरबीर सिंह संधू दा फार्म है जिथे एक विलक्षण किस्म की ट्रॉली तैयार की गई है किसान अंदोलन दे लई। गुरबीर सिंह संधू पहला भी जाके आए ने टिकरी बार्डर सिंगू बार्डर विखे। मैं कहूँगा इधर आप निगाह मरवा दी अपने वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज चैनल दे देश विदेश जिहड़े दर्शक बैठे ने उन्होंने असं एक विलक्षण चीज़ दिखाउण जा रहे हैं। आप अंदर ट्राली की निगाह मरवा दी दर्शकों। देखो जी आओ जी, आह दिखा दो इस पास। देखो सारा लैटरिन बाथरूम वाला प्रबंध किया हो। कहते उपर इन्होंने सारे पानी का भी प्रबंध है, पानी कितों आना किवें आना है आप पुछांगे। इस ते खर्चा किन्ना आ गया ए, आ देखो जी बैठन लई सौन लई सारा गद्दियां दा प्रबंध है ते फुल एसी, फुल एसी का प्रबंध किया गया। देखो उपर भी दो बंदे सौ सकते ने, इस दे हेठां भी दो सौ सकते ने, इत्थे भी सौ सकते ने, ते आ हेठां भी देखो बकायदा दराज तक बनाए गए ने। आ देखो विच दरियां रखी हुई ने, बई हेठां दरियां विछा के कोई सौना चाहे कोई बैठना चाहे। आ देखो सारे प्रबंध इन्होंने मुकम्मल कर रहे हैं ते जनरेटर का भी है। जे उत्थे लाइट ना भी मिली फिर भी इन्हां कोल जनरेटर का प्रबंध है। आपां गुरबीर सिंह संधू नाल भी गलबात करांगे। तो आ देखो पक्खियां का भी प्रबंध किया गया। ये सारी जिहड़ी सर्दियां का मौसम तो उत्थे बैठे किसानां ने टपा लिया। देखो देश दे हाकम नूं बेशक तरस आवे जां ना आवे पर कड़ाके दी सर्दी विच खुले असमान हेठ अपने परिवारां समेत रातां बतीत करन वाले किसानां ने ओ इतिहास सिरज दित्ता है जिस दी आउण वाली पीढ़ी दे सिलेबस च चर्चा होगी, इस ते पीएचडी कीती जाया करूगी। वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज़ चैनल दी टीम हुण गुरबीर सिंह संधू कोल जाऊ ते आपां उहदे नाल गल्लबात करदे हां। दर्शकां ने जिहड़ा इत्थों तक देखिया देश विदेश च जिन्ने भी वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज़ चैनल नाल जुड़े दर्शक ने उन्होंने देखा कि विलक्षण किस्म की कोटकपुरे जी ट्रॉली तैयार की गई है। ये अगर कोई ट्रैक्टर नहीं लाया गया, वो जीप है, वो जीप भी इन्होंने घर की है। सो गुरबीर सिंह संधू शुरू तो ही विलक्षण पैड़ा पाउण दा शौकीन नौजवान है ते पहला इन्हों का समाज सेवा के खेत्र भी बड़ा योगदान रहा। इन्हों के पिता स्वर्गवासी सरदार कुलदीप सिंह लैनलाड़ वो खुद हत्थी खेती करते होरना लई प्रेरणा स्रोत बनते रहे ने ते भी खेती दे विच भी इन्होंने चंगा नाम कमाया ते एक चंगे किसान दे नाम नाल जाने जाते हैं। आओ आप उन्होंने को चलते हैं। वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज़ चैनल की टीम हुण उस किसान कोल पहुंची है जिन्हां नूं गुरबीर सिंह संधू दे नाम नाल जाणिया जांदा है। जिवें पहलां दर्शकां ने देखिया कि इन्होंने एक विलक्षण किस्म की ट्रॉली तैयार की है। इन्हों का मानना है कि कड़ाके की सर्दी तो किसान डोले नहीं, उन्होंने गर्मी की भी परवाह नहीं करनी क्योंकि साडा इतिहास किताबों के दर्ज है कि असी घोड़िया दियां काठियां ते रातां बतीत कीतियां जंगलों के उस वेले भी परवाह नहीं मनी। आपां गुरबीर सिंह संधू नाल गल करते हैं भाई ये ट्रॉली बनाउण की जरूरत क्यों पई। गुरबीर जी वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज़ चैनल तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी सो मच बेंदी रत्ता साहब, तुहाडा आने ते बहुत स्वागत करदा इत्थे मैं और दिलों धन्नवाद करदा। हाँ मेहरबानी। तुहाडे पिता जी भी उगे किसान दे नां नाल जाने जांदे सी, खुद खेती करदे सी, तुसीं भी खुद खेती करदे हो। ये ट्रॉली बारे आपां करिए वी, ट्रॉली बनाउण दी जरूरत क्यों पई? ये जो अंदोलन शुरू होया किसान जथेबंदी दे सद्दे ते असीं भी दिल्ली बॉर्डर पहुंचे उत्थे रहे, उदों असीं तूड़ी वाली ट्राली ते गए सीगे उन्होंने तरपाल नाल टक्के विच गद्दे ला के उत्थे असीं रहे। साडे कोल सिलेंडर भी सी होर फैसिलिटियां भी सी पर मैं देखा कि उत्थे बाथरूम वगैरह की भी प्रॉब्लम आउंदी सी। एक जे मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई, बेशक तरपालां पाईयां थोड़ा बहुत लीकेज हो गई जां होर हो गया, असीं सोचा कि संघर्ष लंबा चलना कि इतिहास गवाह तुसीं खुद कह के हटे हो। तो एक कौम साजी है गुरु गोबिंद सिंह ने, यह शहीदियों नाल कौम बनी है तो यह लंबी लड़ाई लड़ सकते जिहड़ी कौम है। तो सानू भी पता भी छे पांच दिन या दस दिन कम खत्म नहीं होने वाला, छे महीने साल दो साल साड़ी तैयारी तो तीन साल तक दी है जी। एक इस करके जरूरत पई है, इस करके इस चीज़ को बनाया गया कि असी उत्थे रहना केंद्र के खिलाफ असी उत्थे डट के खड़ना। नहीं तो उम्मीद है तो जितोगे? इतिहास गवाह है जी, इतिहास गवाह कि असी मुगलों तो नहीं हारे, इतिहास गवाह असी अंग्रेजा तो नहीं हारे।
तो इतिहास पढ़ के देख लो, ये जी कौम है चाहे जट है चाहे जाट है चाहे पंजाबी है चाहे हरियाणा है, हुण तां सारे हिंदुस्तान के किसान एक मुठ हो गए। मोदी साहब ने खुद सारे किसान जिहड़े असीं पाटे हुए सी पंजाब हरियाणा लड़दा हुंदा सी, अज असीं इकट्ठे आ एक थाली च खाणा खांदे आ। नहीं जिहड़ा अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने किसान अंदोलन बारे, उहदे बारे तुहाडी की राय है? देखो जिहड़ा गोदी मीडिया मेहंदी रत्ता साहब शरेआम साहब नूं पता कि विक चुक्किआ, इह कारपोरेट दे हत्थां च विकिआ होइआ, मोदी साहब दे गुणगान करदा पर झूठ फैलांदे आ। सच्ची खबर देखो तुसी दसो, 26 जनवरी की जिहड़ी सही परेड होई सी जिथे दिल्ली दे लोकां ने आके इन्ने इकट्ठ दे विच फुल वरसाए सी और किन्ने किलोमीटर लंबा वो काफिला सी, वह तो दिखाया नहीं। नहीं गुरबीर जी, वो माओवादियों का खब्बे पक्षियों का खालिस्तानियों का पाकिस्तानियों का अंदोलन कह के अक गए थक गए पर बेअसर हो गया, लोग ने मनते उन्हां दी गल नूं कबूल दे, पर तुसी की सुनेहा देना चाहुंदे हो उन्हां नूं? मैं ये सुनेहा देना चाहना जी, जिहड़े काले तीन कानून बनाए इन्होंने बनाए है मोदी साहब ने तोमर साहब हुणा ने कारपोरेट के हत्थां च विक के, इहदा हिंदुस्तान का बहुत नुकसान होगा, कल्ले जट का कह लिए जां किसान का कह लिए, इन्हां दा कल्ला साडा नुकसान नहीं है, सारे हिंदुस्तान का नुकसान होना और महंगाई होनी है, कुछ चंद घराणियां दे कोल सारी पूंजी आ जानी है और साढ़े देश गरीबी है इन्नी आजूगी कि असी 100 साल होर 200 साल पिछे चले जाएंगे। इस करके लड़ाई जिहड़ी लड़नी, मैं सुनेहा देना चाहना सारे हिंदुस्तान नूं कि किसानों का साथ दिओ, RSS और BJP और वड्डे घराणियां दा बायकॉट करो ते साडी मदद करो ताकि इन्हां नूं मजबूर होना पवे, इन्हां नूं गोडे साडे अगे टिकने पैण और जिहड़े इह कानून है वापस लैने पैण। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗੁਰਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਠੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ बारिश हुई है तो उन्हें टीकरी बॉर्डर के उत्ते कई दे नाल 3 दिन लगातार लगा रहा कि उतों गारा चुक चुक के पासे करता सफाई करता रहा और इन्ना ज़्यादा काम किया कि उहदे अंदर सोज पै गई और PGI वो दाखिल रहा तो PGI बेचारा बच नहीं सकया, दम तोड़ गया तो वह देखो किहदे लई शहीद होके गया, वो किसानां लई। इस करके मैं कहना भी ये किसानी अंदोलन फेल नहीं होना, तो जिहड़े गए है वो साढ़े दिल च उन्होंने यादा हमेशा ही रहनगियां, उन्होंने कुरबानियां हमेशा याद किया जाऊगा कि इस संघर्ष दे विच किहड़े किहड़े इंसान का की योगदान सी। अपने जिहड़े देश विदेश दर्शक बैठे ने उन्होंने किसान अंदोलन संबंधी कोई सुनेहा देना चाहोगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जिहड़े किसान अंदोलन है जिवें गोदी मीडिया भंड रहा कि ये फंड किया जा रहा जी फलाना, देखो कोई भी अंदोलन है खाना सब ने खाना, लंगर चलने, लंगर मुफ्त नहीं आते, किसान भी इतों बेशक आपका अनाज लैके जाते आटा लैके जाते हैं पर उत्थे तुसी देखिया होना कि दिल्ली के जिहड़े गरीब लोग है वह भी आके लंगर छकते हैं, तो देखो लंगर मुफ्त नहीं आते, ये पैसे नाल लगते हैं। तो एक बड़ी सियानी गल किसी ने कही, हिंदू वीर ने कही सी, वो कहिंदा कि जिहड़ा प्रधानमंत्री फंड भेजा जदों आ करोना वास्ते, कहिंदा जे वह इस सिखां नूं जां जिहड़ी अपनी हैगी आ खालसा एड उहनूं भेजिआ हुंदा जां गुरद्वारिआं नूं भेजिआ हुंदा ते अज हिंदुस्तान च कोई भुखा नहीं सी मरदा, हर घर खाणा होणा सी। इह गुरबीर जी ट्रॉली ते खर्चा किन्ना आया तुहाडा? इह मेहंदी रत्ता साहब तकरीबन 5 लाख इत्थे खर्चा आया पर उह साडे अणजाणपुणे करके आया, पर जे अज बनाउणी होवे तां मेरे हिसाब नाल 3.5 लाख तैयार हो सकदी है। अच्छा, किन्ने दिन लग गए बनाउण च? जे वर्किंग डेज गिणीए तां 21 दिन लगे, वैसे 1 महीना लग गया सानूं पर जे असीं वर्किंग डेज देखिए भी लगातार काम करना होवे तां 21 दिन तैयार। कित्थों तैयार करवाई? इत्थे साडे जस्सा है जी, जस्सा एग्रीकल्चर वर्क्स दा नां ते मशहूर आ, उहदी वर्कशॉप मिस्त्री उह सी पर खेत ही तैयार कीती है, इत्थे तैयार कीती है। हांजी, ये तुहाडे नाल संधू फार्म ही कहिंदे ने पंबा फार्म, ही पंबा फार्म दा की मतलब होया? पंबा साडा पिंड सी जी पाकिस्तान दे विच, जिवें आपां देखदे आं वी बादल साहब नूं बादल उहनां दा गोत नहीं ढिल्लों है, बादल पिंड है, उवें साडा पिंड पंबा सी, इस करके सानूं पंबे कह दिंदे आ। हाँ, जिहड़ा इहदे विच समान पहलां तां दस्सो इहदे फैसिलिटियां किहड़ियां किहड़ियां ने? इहदे विच जी 5 जने रह सकदे, बैड्स लगे आ, बंकर बैड भी बणिआ और सोफा है, सोफा कम बैड बणिआ होइआ, छोटी जी एक रसोई बनाई है, काउंटर बनाया जिदे विच असीं सिलंडर फिट कीता, चुल्हा है, सारे यूटेंसिल्स हैगे आ, बाथरूम है जी,
बाथरूम के इंग्लिश सीट लगाई है, उपर 450 लीटर की टैंकी है स्टील की बना के लाई है, एक जनरेटर है 5 KV का पेट्रोल पर है, ये दिल्लियों मंगाया सी। सो तकरीबन सारिया मैं कहूँगा सारिया सहूलत जो सू घर मिल दी ये है जी। समान समून खरीदने कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखो असी भी अनजाण से, थोड़ी बहुत परेशानी आई है पर एड्डी कोई खास नहीं सी। मेन तो सानू बाथरूम का सीगा, तो वह संगरूर तो सानू पता जो असी सर्च किया तो संगरूर तो सानू जिहड़ा हैगा वह ट्रे मिल गई, बाथ ट्रे जिन्हों कहने हैं, वो जरूरी होंगी है। वैसे लोहा भी गल जाता, हर चीज़ गलती है, टाइलां ये लग नहीं सकदियां, तो वह फिर सानू फ्लोर मिल गया उतों, वह बनाते हैं जिहड़ा मर्जी साइज़ का बनवा लो, वो उत्ते थले एंगल्स लाइया, वो उत्ते फिट करके इंग्लिश सीट लग गई, बाकी समान तो ईजीली अवेलेबल है जी, हर चीज़ मिल जाती है। ये सन गुरबीर सिंह संधू, इन्होंने दसिया कि बेशक साढ़े जिहड़े 300 के करीब किसान वीर शहादत का जाम पी गए ने, उन्हां दी भरपाई तो नहीं हो पाउणी किसी भी कीमत ते, पर जिहड़े देश दे हाकम ने उन्हां नूं इस दा खमियाजा जरूर भुगतना पौगा। वहिंदे दरिया पंजाबी न्यूज़ चैनल लई कोटकपुरा तो गुरिंदर सिंह।